subscribe to our YouTube channel VanFin Multibaggers and press the bell icon to see the latest updates and videos. VanFin, discover opportunities, create wealth. जब मैंने कहा था दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स हैं तो एक काम करते हैं क्विकली बातचीत की शुरुआत कर डालते हैं पहले और दोनों ही स्टॉक जो रडार पे हैं माइंडट्री और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ आपके स्क्रीन्स पे आने चाहिए दोनों 2.5% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए तो दोनों के नंबर्स ऑब्वियसली अच्छे हैं माइंडट्री के साथ शुरुआत और माइंडट्री की चीफ ऑफ स्टाफ अमीषा मुनवार जी मेरे साथ जुड़ती हुई अमीषा जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका और आप सबकी स्क्रीन पर माइंडट्री के तिमाही रिजल्ट आएंगे बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है हमारे तमाम एस्टिमेट्स जो थे इनफैक्ट जो खुद की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उससे बेहतर परफॉर्मेंस इन्होंने डिलीवर करके दिया है तो ये जो आपकी 5-5.5% के आसपास की ग्रोथ आई है मैम इस क्वार्टर में ये कहां से परफॉर्मेंस सुधरी है क्या मदद कर रहा है थैंक यू सो मच आशीष ये परफॉर्मेंस जैसे कि आपने पढ़ा और सुना होगा 226.2 मिलियन हमारा रेवेन्यू 5.5% हमारी ग्रोथ रेट थी ये सारा कस्टमर हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन और जो हमने हमारी नींव रखी है डिजिटल की लीडरशिप के ऊपर उसके चलते आया है हमारा जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन रहा है वो ऑल टाइम हाई था ये हमारे एक्सेलेंट डिलीवरी और जो टेक्नोलॉजी के मार्ग पर चलते हुए हमने कस्टमर का भरोसा जीता है उसका नतीजा है अच्छा लग रहा है अमीषा जी माइंडट्री में किसी से हिंदी में बातचीत करते हुए लेकिन सालों हो गए थे क्योंकि इससे पहले हमेशा अंग्रेजी में हम लोगों ने बातचीत करी है माइंडट्री के बारे में चलिए आप आई तो हिंदी में बातचीत हो रही थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा शायद अब इस कंपनी के बारे में हम लोग को अच्छा ये बताएं Q4 में आपकी कंपनी ने रिपोर्ट कराई कि एक पिकअप ऑफ डील्स देखने को मिल रहा है यानी कि डील मोमेंटम स्ट्रॉन्गर होता हुआ आपके लिए नजर आया है तो ऑल सेट मैम FY19 एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस वाला साल होगा मान के चलूं जैसे कि Q3 Q4 दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की तरह बढ़ रहे थे स्ट्रॉन्ग डील विंस हेल्दी पाइपलाइन हाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन लो एट्रिशन इन सब के चलते हुए ये इसकी बुनियाद और दिखा रहा है कि हमारा आने वाला साल भी बहुत अच्छा रहेगा नहीं अच्छा अच्छा ठीक है मैं इसीलिए सवाल उठा रहा था FY19 की ग्रोथ के लिए क्योंकि माइंडट्री जो आपकी कंपनी का स्टॉक है इस बार IT पैक में सबसे अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है मैम 40% ऑलरेडी ईयर टिल डेट स्टॉक ने रिटर्न दे दिए हैं तो ऑब्वियस है कि स्ट्रीट में आपकी कंपनी को लेकर ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है भरोसा बढ़ रहा है शायद तो FY18 में आपने डॉलर आए तकरीबन 9% के आसपास का उछाल डिलीवर कर रहा था FY19 क्या एक्सपेक्ट करूं आप क्या एटलीस्ट डबल डिजिट ग्रोथ क्लॉक कर पाएंगे क्या इस बार बहुत अच्छा लगा आपसे तारीफ सुन के और आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि इसी तरह बढ़ते रहें और आपने सही बताया कि हम गाइडेंस देते नहीं हैं पर जिस तरह से Q3 और Q4 में हमारा परफॉर्मेंस रहा है हमको लगता है कि आने वाला साल भी इसी रन रेट पे चलता रहेगा तो ये अच्छा डील मोमेंटम हालात सुधरना ये क्या वजह है मैम क्या US में जो टैक्स कट्स देखने को मिले थे या अमेरिकन कंपनी जो अच्छे फाइनेंशियल नंबर्स अब डिलीवर कर रही है अमेरिका इंक की हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है क्या आप वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिमांड ड्राइव कर रहा है उसका आप लोग को फायदा मिल रहा है क्या हमारे सारे जियोग्राफी से अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है जो लोकल और ग्लोबल टैलेंट में हमारा इन्वेस्टमेंट रहा है उसका नतीजा भी बहुत अच्छा दिख रहा है अच्छा नई डील जो आपने ऐड करी लास्ट क्वार्टर में वो तो पिछले क्वार्टर से मुकाबले ज्यादा बेहतर ट्रैक्शन ज्यादा अच्छा मोमेंटम था लेकिन मेरे लिए इशू ये है कि डिजिटल की जो डील विंस हैं वो सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही वहां पे कुछ ठंडापन देखने को मिल रहा है और इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि माइंडट्री की कुल रेवेन्यूज का ऑलमोस्ट 45% के आसपास डिजिटल से आता है तो कोई चिंता वाली बात तो नहीं ये डील मोमेंटम डिजिटल में स्लो क्यों होता हुआ नजर आ रहा है मैम मेरा मानना ऐसा नहीं है डिजिटल के डील ठंडे नहीं पड़ रहे हैं अट्रैक्शन काफी अच्छा है और आप आने वाले क्वार्टर में देखेंगे कि हम जैसे हमारे डील्स डिजिटल में क्लोज हुए उसी तरह क्लोज होंगे अच्छा माइंडट्री के लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए मार्जिन्स का और मार्जिन्स एक समय आपके कहां से कहां गिरते हुए नजर आए थे हम सबको याद है 20% प्लस मार्जिन्स आप लोग क्लॉक करते थे वहां से गिरे थे 11% तक के लेवल्स पे हाँ पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार अब वो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देख रहा हूं Q4 में भी आपने 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट डिलीवर करा है तो इस बार जो मार्जिन्स में सुधार आया क्या प्योरली करेंसी ने मदद करी या और भी कुछ फैक्टर्स हैं इसके पीछे
खुद को बहुत गर्व लगता है कि हम मार्जिन पे वापस आ रहे हैं। फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से हमने इंटरनल एक्सटर्नल दोनों इम्प्रूवमेंट किए, आगे भी हमको करते रहना पड़ेगा ताकि हम मार्जिन से हमारा ध्यान ना बटा सकें, और आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। नहीं मैम, आप जवाब नहीं दे रहे हो, क्वांटिटेटिवली कुछ तो बताओ मुझे। अच्छा, पुराने लेवल्स कब तक मिलेंगे आते हुए, दिखेंगे आते हुए? 20% प्लस के जो आप लोग क्लॉक करते थे, कितना समय लगने वाला है? या FY19 में कितनी इंप्रूवमेंट मार्जिन में यहां से और एक्सपेक्ट करूं? जैसे कि आपने बताया कि हम गाइडेंस देते नहीं हैं, लेकिन जो हमारी नींव है, बुनियाद रखी है, उसके चलते बता सकते हैं कि बहुत अच्छा रहेगा। नहीं हमारी कोशिश नहीं रहती है कि कोशिश कर लें कि कुछ क्वांटिटेटिव नंबर्स आप हमें दे दें, आप दे नहीं रही हैं मैम। अच्छा, क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज, ये वो दिक्कतें थी, तमाम क्लाइंट चीजें उभरती हुई नजर आई थी, जिसके चलते माइंडट्री के नंबर्स में बीच में प्रेशर देखने को मिलने लगा था। अब क्या वो तमाम जो क्लाइंट स्पेसिफिक इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं, या अभी भी कुछ अड़चने, अभी भी कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स को लेकर दिक्कतें? बिजनेस, क्लाइंट्स, इंटरनल एक्सटर्नल, सारे चलते ही इश्यूज चलते ही रहते हैं। जैसे कि क्वार्टर के परफॉर्मेंस थे, उसके चलते दिख ही रहा है कि वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं। नहीं मैं क्लाइंट स्पेसिफिक इशू की बात इसीलिए कर रहा हूँ, फैक्चुअली बताता हूँ, क्योंकि आपके Q4 के नंबर्स अच्छे थे ये मानते हैं हम, लेकिन उस पर अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो जो आपका टॉप क्लाइंट है, 40% इंक्रीमेंटल जो आपको फायदा मिला है Q-on-Q, वो एक क्लाइंट से आया है। इसलिए मेरा कंसर्न था कि बाकी अक्रॉस द बोर्ड क्लाइंट से अच्छी हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल रही है, या एक लॉपसाइडेड ग्रोथ थी बीते क्वार्टर में। Q4 एक ऐतिहासिक क्वार्टर था माइंडट्री के लिए, क्योंकि हमारे एक एग्जिस्टिंग US-based एयरलाइन कस्टमर के सामने हमने ऐतिहासिक लार्जेस्ट डील इन माइंडट्री क्लोज की है। इसके चलते हम एक सिंगल सोल क्वालिटी अश्योरेंस के पार्टनर बन चुके हैं, इस पर हमें काफी गर्व महसूस होता है। अच्छा, मैं देख रहा था मैम, बातचीत हो गई नंबर्स पे आपके साथ, लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस अब करा आपको तो माइंडट्री की चीफ ऑफ स्टाफ। अच्छा, चीफ ऑफ स्टाफ तो आमतौर पर मैं आर्मी या डिफेंस सर्विसेज में देखता हूँ इस तरह का औहदा, ये माइंडट्री में चीफ ऑफ स्टाफ का क्या रोल हुआ मैम? जैसे कि आपने पढ़ाई होगा सब जगह पे, उसी तरह ये रोल डिफाइन किया गया है। मैंने काफ़ी सारे भूमिकाएं निभाई हैं माइंडट्री के करियर में रहते हुए, इस रोल को निभाते हुए बहुत अच्छा लगता है। CEO के साथ काम करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की फोकस प्रायोरिटीज पे काम करते हुए, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है। चीफ ऑफ स्टाफ सुनने से भी गर्व महसूस होता है, एकदम लगता है आर्मी की फीलिंग आती है, तो सैल्यूट मैम। चलिए, नंबर्स अच्छे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे सेट ऑफ नंबर्स, बाजार ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है, 2.5% का उछाल, 40% की तेजी के ऊपर, ध्यान रखें ये 2.5% के उछाल के साथ ये स्टॉक में कामकाज होता हुआ, तो माइंडट्री का अच्छे नंबर्स, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में, और ब्रोकिंग हाउसेज की कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पे मेरे प्रोड्यूसर साहब चलाते रहेंगे माइंडट्री के ऊपर जो आए हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ।